हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मोहम्मद जमीर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन लास्ट वीडियो वी सा द ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ 4.3 गोल्डन चेन एंड टुडे वी विल सी इट्स इंग्लिश वर्कशॉप ऑन पेज नंबर 88 एंड 89 ऑफ योर माय इंग्लिश बुक 8। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 4.3 गोल्डन चेन इस पोएम का ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन देखे। आज हम इसके इंग्लिश वर्कशॉप पेज नंबर 88 और 89 पे देखेंगे माय इंग्लिश बुक 8 के। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। राइट द नेम ऑफ योर क्लोजेस्ट ट्रू फ्रेंड वर्टिकली एंड प्रिपेयर एन एक्रोस्टिक यूजिंग एवरी लेटर इन द नेम रेफर टू वर्ड प्ले ऑन पेज 73। इससे पहले हमने पेज नंबर 73 पे अक्रोस्टिक कैसा बनाना वो देखे हैं। हम क्या करते हैं, इसमें अपने किसी भी नाम को ऐसे वर्टिकली लिखते हैं और उसके हर लेटर से एक वर्ड जो है हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या कहा है कि आपके जो सबसे क्लोज फ्रेंड है उसका आपको नाम लिखना है वर्टिकली लिख के, और उसका अक्रोस्टिक क्या करना है तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने जो है फ्रेंड नहीं, मैंने मेरी बच्ची का नाम लिखा है हमारा, और उससे मैंने बनाया है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया था, यहाँ पर रितेश, इस रितेश का बनाया गया है। आर से रिलायबल, आई से इंस्पायरिंग, टी से ट्रस्टवर्दी, ई से इनकरेजिंग, एस से सपोर्टिव, एच से हार्ड वर्किंग। वैसे जब यहाँ पे मैंने बनाया है ए से ऑसम, एम से मार्वलस, फिर एम से मैग्निफिशेंट, ए से अट्रैक्टिव, आर से रिलायबल और ए से अमेजिंग। तो इस तरीके से आपको भी अपने किसी भी दोस्त का अक्रोस्टिक बनाना है, जो आपका सबसे क्लोज फ्रेंड है उसका बनाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में टिक द करेक्ट राइट बिफोर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यहाँ पे जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसको ही आपको राइट मारना है, और जो नहीं है उसमें रॉन्ग नहीं मारना है, उसको खाली छोड़ देना है। ठीक है, देखते हैं। नंबर ए, टाइम कैन डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप। टाइम दोस्ती की खूबसूरती को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, इसलिए हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। नंबर बी, फ्रेंडशिप कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड। दोस्ती खरीदी बेची नहीं जा सकती है, राइट है, इसलिए हम इसको राइट मारे हैं। नंबर सी, फ्रेंडशिप बाइंड्स द हैंड्स टुगेदर। फ्रेंडशिप हाथों को बांध के रखती है, ये ब्लैंक छोड़ना है हमको। नंबर डी, फ्रेंडशिप इज लाइक अ रियल रेयर एंड प्रीशियस ज्वेल। दोस्ती एक बहुत ही सच्चे रेयर कम मिलने वाले और प्रीशियस ज्वेल कीमती जेवर की तरह है, इसलिए हम इसको राइट मारेंगे। नंबर ई, फ्रेंडशिप हैज़ मोर वैल्यू देन गोल्ड। फ्रेंडशिप की वैल्यू गोल्ड से भी ज़्यादा है, ये राइट होने वाले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रीड द पोएम एंड कंप्लीट द वेब। पोएम पढ़िए और इस वेब को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे जो वेब दिया गया है, फ्रेंडशिप इज कंपेयर्ड टू। फ्रेंडशिप को किस किस से कंपेयर किया गया है, यहाँ पे हमने लिखा है आंसर। सबसे पहले गोल्डन चेन से कंपेयर किया गया है, प्रीशियस ज्वेल से, प्राइसलेस गिफ्ट, अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्लेस्ड टाई से कंपेयर किया गया है, उसके बाद ब्यूटी से कंपेयर किया गया है, और वर्थ फार मोर देन गोल्ड, इतनी चीज़ों से को कंपेयर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। से व्हाई फ्रेंडशिप इज कंपेयर्ड टू द फॉलोइंग। बताइए फ्रेंडशिप को नीचे जो चीज़ें हैं उनसे कंपेयर क्यों किया गया है। नंबर ए, अ गोल्डन चेन। एक गोल्डन चेन से क्यों कंपेयर किया गया है, आंसर, फ्रेंडशिप इज कंपेयर टू अ गोल्डन चेन बिकॉज इट लिंक्स अवर डियर फ्रेंड्स। दोस्ती को गोल्डन चेन से इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि वो हमारे जो डियर फ्रेंड्स होते हैं, प्यारे दोस्त होते हैं, उनको क्या करती है, लिंक करके रखती है। उसके बाद नंबर बी जो है,
अ प्रीशियस जेवल, एक प्रीशियस जेवल से, कीमती जेवर से क्यों कंपेयर किया गया है? आंसर, फ्रेंडशिप इज कंपेयर टू अ प्रीशियस जेवल बिकॉज इट कांट बी बॉट और सोल्ड। इसको इसलिए कंपेयर किया गया है प्रीशियस जेवल से क्योंकि ये खरीदी और बेची नहीं जा सकती। और सी है अ प्राइसलेस गिफ्ट, एक प्राइसलेस गिफ्ट से क्यों कंपेयर किया गया है? आंसर, फ्रेंडशिप इज कंपेयर टू अ प्राइसलेस गिफ्ट बिकॉज इट ग्रोस मोर प्रीशियस एज ईच ईयर पासिस बाय, क्योंकि जैसा जैसा साल गुजरते जाते हैं ये और ज़्यादा कीमती होती जाती है, इसलिए इसको प्राइसलेस गिफ्ट से कंपेयर किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रेफर टू द पोएम एंड राइट डाउन 5 रीजंस व्हाई फ्रेंडशिप इज द बेस्ट गिफ्ट एनीवन कैन गिव। पोएम के हिसाब से आपको देखना है और 5 रीजन लिखना है, 5 वजह लिखना है कि क्यों फ्रेंडशिप ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो किसी को दिया जा सकता है। तो इसका आंसर में एक दिया गया है, इट ग्रोज मोर प्रीशियस एज ईच ईयर पासिस, जैसा जैसा एक साल गुजरता जाता है ये और ज़्यादा कीमती होती जाती है। और नेक्स्ट लिखे हमने, इट लिंक्स अवर डियर फ्रेंड्स, ये हमारे प्यारे दोस्तों को लिंक करके रखती है। इट इज़ क्लास्प टुगेदर फर्मली विद डीप एंड ट्रू लव, ये गहरे और सच्चे प्यार से क्या है बंधी हुई है, बांध के रखती है आपस में। इट इज़ रिच विथ हैप्पी मेमोरीज, ये खुशियाँ भरी मेमोरीज यादों से भरी हुई है। इट गिव्स जॉय, ये खुशी देती है। इट बाइंड्स कंडर्ड हर्ट्स टुगेदर, ये एक जैसे दिलों को जोड़ के रखती है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द वर्ड्स दैट गो विद द फॉलोइंग, ये जो वर्ड्स है इनके साथ कौन सा वर्ड पोएम में यूज़ किया गया है वो आपको लिखना है। जेवल के साथ आया है प्रीशियस, प्रीशियस जेवल, हर्ट्स काइंडर्ड हर्ट्स, मेमोरीज हैप्पी मेमोरीज, गिफ्ट प्राइसलेस गिफ्ट, टाई स्ट्रॉन्ग एंड ब्लेस्ड टाई, और फ्रेंड अंडरस्टैंड फ्रेंड। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, इसको हम अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड भी लिख सकते हैं, ING लगाइए इसको आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। मैच द लाइन्स विद द फिगर्स ऑफ स्पीच दे कंटेन, यू मे ऑल्सो रेफर टू वर्ड प्ले ऑन पेज नंबर 74 फॉर हेल्प। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच आपको पहचानना है, यहाँ पर कुछ लाइन्स है पोएम्स के दिए वाले और यहाँ पर नंबर बी में फिगर ऑफ स्पीच के नाम है। आपको सही यहाँ पे आंसर मैंने लिख दिया है मगर फिर भी मैं आपको समझाऊंगा साथ में। तो पेज नंबर 74 पे भी जो फिगर ऑफ स्पीच दी है आप उसको भी रेफर कर सकते हैं हेल्प के लिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले नंबर 1, फ्रेंडशिप इज़ अ गोल्डन चेन, यहाँ पर फ्रेंडशिप को डायरेक्ट गोल्डन चेन कहा गया है। तो हमको पता है डायरेक्ट किसी चीज़ का नाम दिया गया तो उसे हम कौन सा कहेंगे फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफोर कहेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे मेटाफोर लिखे हैं। दैट कांट बी बॉट और सोल्ड, जिसे बॉट खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, इसमें दो अपोजिट वर्ड्स आए हैं बॉट और सोल्ड, इसलिए ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ये है एंटीथेसिस। उसके बाद एंड लाइक अ रेयर एंड प्रीशियस जेवल, यहाँ पे लाइक अ रेयर एंड प्रीशियस जेवल, यहाँ पे रेयर और प्रीशियस जेवल से कंपेयर किया गया है, इसलिए ये कौन सी रहेगी फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली। उसके बाद फॉर एज लॉन्ग एज मेमोरी लीव्स, यहाँ पे एज एज ये एस एस और एस का साउंड यहाँ पे बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसको हम कहेंगे अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच। उसके बाद फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट, फ्रेंडशिप एक प्राइसलेस गिफ्ट है, इसको फ्रेंडशिप को क्या कहा गया है, प्राइसलेस गिफ्ट कहा गया है, इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफोर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम,
क्वेश्चन नंबर 8, थिंक ऑन योर ओन एंड से व्हाई ट्रू फ्रेंडशिप कैन बी कंपेयर्ड टू द फॉलोइंग। खुद से सोचिए और बताइए कि फ्रेंडशिप को नीचे दिए गए चीज़ों से क्यों कंपेयर किया जा सकता है। सबसे पहला दिया है एन एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक एवरग्रीन हमेशा हरा भरा रहने वाला जंगल, उससे कंपेयर क्यों किया जा सकता है। आंसर, फ्रेंडशिप कैन बी कंपेयर्ड टू एन एवरग्रीन फॉरेस्ट बिकॉज एज एन एवरग्रीन फॉरेस्ट इज ऑलवेज ग्रीन एंड ब्यूटिफुल, द फ्रेंडशिप ऑल्सो गिव्स यू हैप्पीनेस एंड जॉय एवरी डे। जैसा कि फॉरेस्ट, हरा जो जंगल होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है, जो हमेशा हरा रहता है, जहाँ कभी भी पतझड़ का मौसम नहीं आता, साल भर वहाँ पर ग्रीनरी होती है, वैसा ही जो है फ्रेंडशिप हमेशा आपको, जब तक आपकी दोस्ती रहती है, आपको हैप्पीनेस, खुशियाँ और जॉय देती है रोज़ाना। उसके बाद नंबर 2, एन एवर फ्लोइंग रिवर, एक हमेशा बहती रहने वाली नदी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आंसर, फ्रेंडशिप कैन बी कंपेयर टू एन एवर फ्लोइंग रिवर बिकॉज एज एन एवर फ्लोइंग रिवर नेवर स्टॉप्स, द फ्रेंडशिप ऑल्सो नेवर हैज एन एंड। तो एक हमेशा बहते रहने वाली नदी से भी हम इसलिए कंपेयर कर सकते हैं कि जैसा कि वो नदी कभी नहीं रुकती, वैसा ही दोस्ती भी कभी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद अ रेनबो आफ्टर हेवी रेन्स, तेज़ बारिश होने के बाद जो रेनबो धनक जो आसमान में निकलती है, उससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आंसर, फ्रेंडशिप कैन बी कंपेयर टू अ रेनबो आफ्टर हेवी रेन्स बिकॉज एज लुकिंग एट द रेनबो गिव्स अस प्लेजर, द फ्रेंडशिप ऑल्सो गिव्स अस प्लेजर। इसलिए कंपेयर किया जा सकता है कि जैसा हम रेनबो को देखकर हमको खुशी मिलती है, वैसा ही दोस्ती से भी हमको खुशी मिलती है। एज वी फील हैप्पी टू सी अ रेनबो, वी फील डिलाइटेड टू सी अवर फ्रेंड्स हैप्पी फेस। जैसा रेनबो को देख के हम खुश होते हैं, वैसा ही हमारे दोस्त के खुश चेहरे को, हैप्पी फेस को देखकर भी हम बहुत खुशी से पागल हो जाते हैं। इस तरीके से हम एक रेनबो से भी दोस्ती को कंपेयर कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। थिंक एंड डेवलप अ स्टोरी दैट लीड्स टू द कंक्लूजन, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। एक कहानी आपको सोचना है और बनाना है जिसका कंक्लूजन, नतीजा ये निकले कि जो दोस्त टाइम पर काम आते हैं, वही सच्चे दोस्त होते हैं। तो यहाँ पे एक स्टोरी मैंने डेवलप किया है, आप या तो ये स्टोरी लिखिए, आप खुद से भी स्टोरी बना सकते हैं कोई भी। वंस देयर वॉज अ ब्यूटिफुल फॉरेस्ट टीमिंग विथ लश ग्रीन ट्रीज प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ। एक घना जंगल था जहाँ पर हरे हरे पत्ते और प्लांट्स और जंगली जानवरों से वो भरा हुआ था। इन द फॉरेस्ट देयर वेयर फोर बेस्ट फ्रेंड्स, अ डियर, अ काउ, अ क्रो, अ रैट एंड अ टर्टल। उस जंगल में चार बहुत बेस्ट फ्रेंड थे, एक हरन, एक कौवा, एक चूहा और एक टर्टल, एक कछुआ। दे लिव्ड हैप्पीली टुगेदर प्लेइंग एंड हैविंग फन। वो बहुत खुशी खुशी साथ में रहते थे, साथ में खेलते थे और मज़ा करते थे। वन डे अ हंटर केम इन टू द फॉरेस्ट एंड कैप्चर्ड द डियर विच वॉज लेजिंग अंडर अ ट्री। एक मरतबा एक हंटर, एक शिकारी आया और उसने एक जो डियर था, जो हरन था, डियर, उसको पकड़ लिया जो कि एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। द डियर ट्राइड टू एस्केप द नेट बट टू नो अवेल। डियर ने भागने की कोशिश किया लेकिन
वो नाकाम हो गया। द डियर्स फ्रेंड केम रशिंग हियरिंग द डियर्स क्राइज फॉर हेल्प। अब डियर की डियर जो था उसकी हरन की आवाज़ें सुन के उसके दोस्त भागते हुए आए जो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। दे नोटिस्ड द डियर लाइंग मोशनलेस कॉट। उन्होंने देखा कि बिना हरकत के हरन पड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है अंदर अंडर द नेट जाल के नीचे। एंड इमीडिएटली केम अप विथ अ प्लान टू हेल्प। और जल्दी उन्होंने एक हेल्प का प्लान बनाए हेल्प हिम आउट, उसको हेल्प करके बचाने का। फर्स्ट द टर्टल डिस्ट्रैक्टेड द हंटर। सबसे पहले टर्टल ने शिकारी को डिस्ट्रैक्ट किया, उसका जहन उसका ध्यान भटकाया। व्हाइल द हंटर वाज बिजी लुकिंग फॉर द टर्टल द क्रो प्रिटेंडेड टू पेक एट द डियर लाइक ही वाज डेड। तो उस दौरान जो कौवा था वो ऐसा दिखा रहा था डियर के पास बैठ के जैसा कि ये डियर जो हरन है वो मर गया है। अब उससे क्या हो गया, शिकारी थोड़ा बेफिक्र हो गया कि अब ये तो मर गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भाग नहीं सकता। दिस वॉज जस्ट एन एक्ट सो दैट द हंटर वुड थिंक द डियर वॉज डेड। ये सिर्फ एक एक्ट था ऐसा दिखाने के लिए कि हंटर शिकारी को ऐसा लगे कि जो हरन है वो मर गया है। इन द मीन वाइल द रैट च्यूड अप द नेट। अब इसी दौरान जो चूहा था उसने पूरा जाल कतर दिया। इन द मैटर ऑफ मिनट्स द डियर वॉज फ्री एंड ऑल द फ्रेंड्स स्केप। इसी दौरान जो हरन था वो फ्री हो गया और पूरे दोस्त वहाँ से भागे। तो किस तरीके से दोस्त जो टाइम पे काम आए हैं, तो यही सच्चे दोस्त होते हैं। इसके ऊपर हमने कहानी बनाई, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। इसको मैं तो सही है हैंड को हटा देता हूँ। ये ऊपर का क्वेश्चन भी, ये भी क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। और थोड़ा सा मैं जूम इन भी करता हूँ इसको, दोनों क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 8, ये आधा इधर, और आप इसके स्क्रीनशॉट्स लीजिए। ये होगा क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी जो है आप इसके इधर से आधा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ, आप ये बाकी का स्क्रीनशॉट भी लेके आप ये भी क्वेश्चन का आंसर जैसे कि वैसे लिख सकते हैं, या आप अपने दिल से भी कहानी बना सकते हैं। तो होपफुली आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, आपको इससे हेल्प मिली होगी। और आगे का जो 4.4 है द अनसिंकेबल शिप, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।